क्या हाल है भाइयों, मैं हूं हर्ष रोहिला। तो भाइयों, अभी ये आपके सामने सेल्टोस एक्स लाइन वेरिएंट है जो कि 20,30,000 रुपए का आपको पड़ता है एक्स शो। अगर मैं इस गाड़ी के बारे में आपको मैं बताऊँ ना, और अगर कंपेयर करूँ क्रेटा से इस गाड़ी को, क्योंकि यही दो गाड़ियाँ हैं जिसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इन सेगमेंट्स में, तो लुक्स वगैरह में शार्प लुक चाहिए ना जिसको, तो वो किया सेल्टोस पे जा सकता है। अगर आपको नॉर्मल लुक चाहिए तो वो क्रेटा पे जा सकता है। और अगर मैं इस वेरिएंट के फीचर्स की बात करूँ ना जो नॉर्मल वेरिएंट में नहीं आते हैं, तो सबसे मेन डिफरेंस तो कलर में आ जाता है, बाकी DRL का जो डिज़ाइन है ना वो आपको सेम मिलता है टॉप मॉडल वाला। देखोगे तो ग्रिल तक इस गाड़ी की DRL का डिज़ाइन है, ग्रिल भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ये डिज़ाइन पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, न्यू क्रेटा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक भी गाड़ी की कर दी गई है। और तो और इस गाड़ी में आपको एडास भी आ जाता है, एडास जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, आजकल सभी SUV में आ रहा है, क्रेटा में भी एडास आ जाता है। साइड लुक से अगर आप व्हील का डिज़ाइन देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम व्हील का डिज़ाइन है। ओवरऑल फ्रंट लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, व्हील में इस आपको 18 इंच के अलॉय व्हील का डायमंड कट फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन मिल जाएगा। फ्रंट में भी डिस्प्ले, बैक में भी डिस्प्ले, ऑटो फोल्डेबल RPM, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दिया गया है अंदर जाने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक ही साइड आपको मिलता है, बाकी जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो सब सेम है, गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस नहीं मिलता आपको नॉर्मल वाली से। क्रेटा का भी और इसका सेम ही है, 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऊपर भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, रूफ रेल्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बाकी इस गाड़ी में आपको अच्छी खासी बड़ी पैरानोमिक सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मैं साइड लुक के बारे में बताऊँगा, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगी गाड़ी की साइड लुक, और फ्रंट लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, लेंथ बढ़िया, डायमेंशंस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैक में भी इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, क्रेटा में भी मिलती है, इस चीज़ से कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये तो होती है मैक्सिमम हर टॉप मॉडल में क्रेटा जैसी बड़ी SUVs में। बाकी जैसे ही हम गाड़ी की बैक लुक की तरफ मूव करेंगे, बैक लुक में आपको इंटरकनेक्टेड टेल लाइट का डिज़ाइन मिल जाएगा, और नीचे से बम्पर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, ये एसेसरीज का पार्ट है मैं पर्सनली बताऊँ तो। बाकी बढ़िया बैक लुक है गाड़ी की, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बैक एंटीना शार्क एंटीना भी मिलता है, और साथ में पैरानोमिक सनरूफ भी गाड़ी में मिल जाती है। ओवरऑल जो गाड़ी की बैक लुक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं गाड़ी के ओवरऑल बारे में बताऊँगा, एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, एक्सटीरियर में कोई कमी नहीं मिलती आपको। इंटीरियर में चलते हैं, गाड़ी का इंटीरियर कैसा मिलेगा, इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है गाड़ी का। ये इंटीरियर की अगर मैं बात करें, पर्सनली मेरे पास गाड़ी की कोई की नहीं थी इसलिए मैं बार बार से लेता हूँ, ऑटोमेटिक है, डीजल वेरियंट जिसकी प्राइस 25 lakh है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में आपको प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में इस गाड़ी में आपको मेमोरी ऑप्शन का भी ऑप्शन मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर फिनिशिंग के साथ आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा, और सीट मतलब बाहर से गाड़ी में कुछ कराने की जरूरत नहीं है, एक्स लाइन वेरिएंट है तो रेड थ्रेडिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया। बाकी ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी के बारे में बताऊँ ना, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आप परचेज कर सकते हो, क्रेटा दोनों ही जो मन करे वो ले आओ, लुक्स की बात है मेन तो। बाकी इंजन आपको वही आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, डीजल भी पेट्रोल दो इंजन के साथ गाड़ी आती है, बाकी 4 सिलेंडर मिल जाते हैं, इंजन में भी कोई कमी नहीं है। सेफ्टी में भी अच्छे खासे फीचर इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे एडास और भी कई सारे ब्रेकिंग सिस्टम भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अगर पसंद आई हो ना नियर बाय शोरूम से जाके परचेज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।